हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ मूवीज के अपडेट्स के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं मालेफिसेंट 2 मूवी के बारे में कि इस फिल्म का प्रोडक्शन हो गया है खत्म और अब शुरू होगा इस फिल्म का VFX का वर्क, जिसे मेरे हिसाब से काफी ज्यादा टाइम जाने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो इस फिल्म को रिलीज होने के लिए अभी काफी टाइम है। और अगर आपको इसका रिलीज ईयर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, इस फिल्म का रिलीज ईयर है 2020 और रिलीज डेट है 29 मई। और अब बात कर ले 40 एंजल के रिबूट के बारे में, तो इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस क्रिस्टन स्टूवर्ट ने इस फिल्म को लेकर कुछ अपडेट दिए है। उन्होंने ये कहा है कि ये फिल्म बाकी आने वाली 40 एंजल फिल्मों पर कोई भी असर नहीं डालेगी, ये फिल्म बिल्कुल ही अलग बनाई जा रही है, तो आप इस फिल्म को पुरानी वाली फिल्मों से कंपेयर बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद की अपडेट है टक्सेस चेनशॉन मशेगरी के बारे में। जी नहीं, इस पर वापस से कोई फिल्म नहीं बन रही है बल्कि टीवी सीरीज बनाई जा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, लेदर फेस पर एक टीवी सीरीज। फिलहाल तो इससे ज्यादा और कोई अपडेट नहीं आई है। और अब बात कर लेते हैं टॉम क्रूज की अपकमिंग फिल्म टॉप गन 2 के बारे में। इस फिल्म में और 2 नई कास्टिंग की गई है, एक है इडी हैरिसन और दूसरे जॉन हम। इनके साथ साथ और काफी सारी नई कास्टिंग भी की गई है। वेल, तो उनके बारे में ऐसी कोई ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन वो सभी इतने नोन एक्टर नहीं है सिवाय मिलेस टेलर के। और कहा यह भी जा रहा है कि इस फिल्म में मिलेस टेलर आइसमैन के बेटे हैं। खैर, तो अब ये रूमर कितनी सच्ची है उसके बारे में हमें आगे ही पता चलेगा, क्योंकि इस फिल्म में वेल किमलर भी फिर से वापस आने वाले हैं आइसमैन के रोल में। और बात करें इस फिल्म की रिलीज डेट की, वेल तो इस फिल्म की रिलीज डेट है 12 जुलाई 2019। और अब बात कर लेते हैं जेम्स बॉन्ड मूवी के बारे में। वेल, तो आप सबको पता है कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए डैनी बॉयल को कंफर्म किया गया था, लेकिन अब ऑफिशियल अपडेट ये आई है कि इस फिल्म को डैनी बॉयल डायरेक्ट नहीं करने वाले, यानी ये फिल्म भी डिले होने वाली है। तो देखते हैं आगे चलकर स्टूडियो कौन सा नया डायरेक्टर लेकर आता है इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए। और बात करें डैनी बॉयल की, तो मुझे नहीं पता कि उनके और स्टूडियो के बीच ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी है। और साथ ही साथ रूमर ये भी थे कि इस फिल्म में हमें जेम्स बॉन्ड का रोल डैनियल ग्रेक नहीं बल्कि इद्रिस एल्बा करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अब इद्रिस एल्बा ने भी इस बात की कंफर्मेशन कर दी है अपने ट्विटर अकाउंट पर नो लिखकर। और साथ ही साथ कहा यह जा रहा है कि इस फिल्म को डैनी बॉयल अगर डायरेक्ट नहीं करने वाले हैं तो शायद स्टूडियो एडवर्ड वॉट को हायर कर सकता है इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए। तो देखते हैं और जेम्स बॉन्ड की सीरीज में हमें नए क्या अपडेट मिलते हैं। और अब बात करें वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड मूवी की, तो आप सबको पता है कि ये फिल्म 70s और 80s के पीरियड की है, यानी इस फिल्म में हमें काफी सारे पुराने हॉलीवुड स्टार नजर आने वाले हैं जिनका रोल इस फिल्म में अलग अलग दूसरे स्टार्स करने वाले हैं। उनमें से ही एक लेजेंडरी स्टार ब्रूस ली के रोल के लिए कंफर्म कर लिया गया है और उस एक्टर का नाम है माइक मो। देखा जाए तो एक हिसाब से इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर शूट किया जा रहा है। और बात करें इस फिल्म की रिलीज डेट की, तो ये फिल्म रिलीज होने वाली है 26 जुलाई 2019 को। और अब बात करें डोरा द एक्सप्लोरर मूवी के बारे में, तो इस फिल्म का ऑफिशियल लुक कंफर्म कर दिया गया है और वो लुक ये है। और आप सबको पता है कि इस फिल्म में डोरा का रोल कौन कर रही है, और अगर नहीं पता तो मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि इस एक्ट्रेस का नाम है इसबेला मॉर्नर, जिन्हें हमने इसके पहले ट्रांसफॉर्मर द लास्ट नाइट फिल्म में देखा था, लेकिन मुझे इसका कार्टून आज तक पसंद नहीं आया है। ऐसे में इस कार्टून की लाइव एक्शन फिल्म देखते हैं क्या होगा। और बात करें इस फिल्म की भी रिलीज डेट की, तो ये फिल्म रिलीज होने वाली है 2 अगस्त 2019 को। और अब बात करें ऑस्कर विनर गियोमो डेल तोरो की, तो उन्होंने शेप ऑफ वाटर फिल्म के बाद अभी तक कोई भी फिल्म अनाउंस नहीं की थी, हालांकि वो पिनाक्यो फिल्म के प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे। ये एक एनिमेटेड फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म को कैंसिल कर दिया गया है, यानी ये फिल्म हमें फ्यूचर में नहीं देखने मिलने वाली। उसके बाद गियोल मोरो का अगला प्रोजेक्ट नाइटमेयर एली है, जिसे वो खुद डायरेक्ट करने वाले हैं। असल में ये फिल्म 1947 की आई हुई फिल्म की रीमेक होगी। ये फिल्म एक ड्रामा फिल्म है। ऐसे में देखा जाए तो गेमो ज्यादातर तो जाने जाते हैं अपनी हॉरर फिल्मों को लेकर, लेकिन वो फिलहाल तो ऐसी कोई फिल्में नहीं बना रहे। लेकिन हाँ, उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसकी वो अभी फिलहाल तो स्टोरी लिख रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि इस फिल्म को वो प्रोड्यूस करने वाले हैं। और इस फिल्म के डायरेक्टर है एनरी ओरेडिल, जिन्होंने इसके पहले 2 फिल्में बनाई है और वो दोनों ही फिल्में काफी अच्छी थी। एक फिल्म है ट्रोल हंटर और दूसरी एटॉप्सी ऑफ जेन डियो। तो इन दोनों फिल्मों से हमें पता चलता है कि एनरी कितनी अच्छी फिल्में बना सकते हैं। ऐसे में इनके हाथ में एक खतरनाक प्रोजेक्ट देना बहुत ही अच्छी बात है। अब मैंने उस प्रोजेक्ट को खतरनाक क्यों कहा है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट का नाम है स्कैरी स्टोरीज टू टेल इन द डार्क,
जी हाँ, ये स्टोरी एक बुक की है जिसके अब तक टोटल 3 इशू रिलीज किए जा चुके हैं और तीनों ही इशू बहुत ही हिट है। ऐसे में इन तीनों इशूज पर फिल्में बनने वाली है, वो भी अलग अलग पार्ट्स पर। यानी अगर फर्स्ट पार्ट चला तो डेफिनेटली इसके बाकी के और दो पार्ट भी आएंगे। और एक हिसाब से ये बुक बहुत ही ज्यादा डार्क थी, तो देखते हैं फिल्म कितनी ज्यादा डार्क होगी और क्या फैंस इस फिल्म को देखकर डरेंगे या नहीं। वेल, तो आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताना कि आपको इस बुक के बारे में कितना पता है। और अब बात करें लियाम नीलसन की आने वाली फिल्म हार्ट पाउडर के बारे में, तो ये फिल्म एक एक्शन ड्रामा थ्रिल है जिसे डायरेक्ट हंस पीटर करने वाले हैं। उन्होंने अब तक कोई बेकार फिल्में नहीं बनाई है और हर एक प्रोजेक्ट काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी फिल्मों को ज्यादातर हमारे इंडिया में देखा जाता है, क्योंकि वो एक ब्रिटिश डायरेक्टर है और उन्होंने फिल्में बनाई है ए ऑसम वॉर्ड जेंटलमैन, द ब्यूटीफुल कंट्री, ए कॉन्स्पिरेसी ऑफ फेथ और इन ऑर्डर ऑफ डिसअपीयरेंस। और अब बात करें हार्ट पाउडर मूवी के प्लॉट के बारे में, तो ये फिल्म रिवेंज पर है। यानी इस फिल्म में लियाम नीलसन के बेटे को पकड़ लिया जाता है या फिर मार दिया जाता है किसी ड्रग माफिया के हाथों, और उन लोगों से बदला लेने निकलते हैं लियाम नीलसन। तो ऐसे कैरेक्टर लियाम नीलसन करते हैं, इसलिए ही वो ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आते हैं और उन्हें ऐसी ही फिल्मों में काम करना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम उनकी जो फिल्म आई थी दी कम्यूटर, वो बॉक्स ऑफिस पर इतनी अच्छी नहीं चल पाई थी और उस फिल्म की रेटिंग्स भी कुछ खास नहीं थी। ऐसे में मुझे लगता है कि हार्ट पाउडर फिल्म लियाम नीलसन का एक कमबैक होगी। खैर, तो अब बढ़ते हैं अगले अपडेट पे, और अगला अपडेट है डिटेक्टिव पिकाचू मूवी का। इस फिल्म का फर्स्ट लोगो रिवील कर दिया गया है और वो पिक्स ये है। तो काफी लोग शायद कंफ्यूज है इस फिल्म को लेकर कि ये 2D, 3D या फिर लाइव एक्शन फिल्म है, तो मैं उनकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। ये एक लाइव एक्शन फिल्म है और इस फिल्म में हमें रे रेनॉल्ड्स नजर आने वाले हैं। और बात करें इस फिल्म की रिलीज डेट की, तो ये फिल्म 10th मई 2019 को रिलीज होने वाली है। और अब बात करें लिटिल वुमेन मूवी के रीमेक के बारे में, तो इस फिल्म में पहले एमा स्टोन को लिया गया था, लेकिन शायद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, इसलिए उन्हें अब इस फिल्म से निकाल दिया गया है और उनकी जगह एमा वॉटसन को ले लिया गया है। इनके साथ साथ हमें इस फिल्म में काफी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस भी नजर आने वाली है और उनके नाम है सियोरिस रोनिन, लोरा डेरेन और मैरली स्ट्रीप। और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रही है ग्रेटा ग्रेविंग, जिन्होंने इसके पहले लेडी बर्ड फिल्म को डायरेक्ट किया है। तो देखा जाए तो वो इस फिल्म को काफी अच्छा बनाने वाली है, लेकिन अब तक इस फिल्म का रिलीज ईयर और डेट कंफर्म नहीं की गई है। खैर, तो अब बात करते हैं अगले अपडेट की। ये अपडेट है जोकर फिल्म के। तो आप सबको पता है कि इस फिल्म में जोकर के रोल के लिए जैकविन फियोनिक्स को लिया गया है और काफी सारे हेटर्स उन्हें हेट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सीधी और साफ बात कही है कि उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि हेटर्स क्या सोच रहे हैं उनके कैरेक्टर को लेकर, क्योंकि वो इस फिल्म में एक अलग ही रोल करने वाले हैं जो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वेल, तो ये बात हमें जब फिल्म आएगी तभी पता चलेगी कि जैकविन ने इस फिल्म में रोल कैसा किया है। और साथ ही साथ एक और अपडेट है इस फिल्म से रिलेटेड कि इस फिल्म में एक और एक्टर को ऐड किया गया है जिनका नाम है एलेक्स ब्लैडविन। वो इस फिल्म में जोकर के फादर थॉमस वेन का रोल करने वाले हैं। जी हाँ, ये खबर ऑफिशियली कंफर्म कर दी गई है। और अब बात करें सर्चिंग मूवी के बारे में, तो ये फिल्म बाहर के देशों में रिलीज हो गई है और इस फिल्म के रिव्यू काफी ज्यादा अच्छे आए हैं। काफी क्या, मैं कहूँ बहुत ही ज्यादा अच्छे आए हैं। तो देखते हैं ये फिल्म हमारे इंडिया में कब तक रिलीज होगी। वैसे ये एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका हिंदी में आने का कोई चांस नहीं है फिलहाल तो। और अब बात करें रैम्बो 5 मूवी के बारे में, तो कहा यह जा रहा है कि इस फिल्म को डायरेक्ट गेट दी ड्रैंगो फिल्म के डायरेक्टर एंड्रियन गिरबक करने वाले हैं। देखते हैं ये रूमर कितने सच्चे होंगे। और वही बात कर ले एल्फेसो कॉरिन के बारे में, तो उन्हें DC सुपर हीरोज की एक फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए बुलाया गया है। ये बात ऑफिशियली कंफर्म कर दी गई है। वैसे अगर आप इस डायरेक्टर को नहीं पहचानते हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, इन्होंने हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर्स ऑफ अज़्काबान फिल्म को डायरेक्ट किया था। तो देखते हैं वो हमें डीसी में कौन से सुपर हीरोज की मूवी को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। और अब बात कर ले इविल डेड मूवी के बारे में, तो आप सबको पता है कि ऐश वर्सेस इविल डेड के सीजन 3 के बाद हमें ब्रूस चैंबल फिर से नजर नहीं आने वाले ऐश के रोल में। ये बात उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दी है। और अब साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि उनके बिना इविल डेड की सीरीज आगे काफी अच्छी बनेगी। यानी इससे ये लगता है कि वो ऐश वर्सेस इविल डेड के सीजन 4 के लिए तो रिटर्न डेफिनेटली नहीं आने वाले है, यहाँ तक कि इविल डेड मूवी के लिए भी नहीं, क्योंकि उन्होंने ये अनाउंसमेंट पहले ही कर दी थी कि वो ऐश के रोल से रिटायरमेंट ले रहे हैं। और उन्होंने अब तक जितनी बार भी ऐश का रोल किया है उसके लिए उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर और टीवी सीरीज के स्टार नेटवर्क को थैंक्स कहा है। खैर, तो अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। ये अपडेट है हेरिडेटरी फिल्म का, जिसे आए हुए काफी टाइम हो गया है, लेकिन अब एक रिजल्ट निकल कर आया है कि ये फिल्म 2018 की सबसे हॉरर फिल्म थी। तो अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो आप इस रेटिंग को देख सकते हैं। ये एक हार्ट रेटिंग है जिसमें नीचे फिल्म के टाइम के
साथ दिया गया है कि आप इस फिल्म को देखकर कौन से सीन में कितना ज्यादा डरते हो। वैसे देखा जाए तो इस फिल्म का एंड ही इस फिल्म की जान है, बाकी की पूरी फिल्म इतनी खास मुझे तो नहीं लगी थी। और आखिरी अपडेट है बॉलम हाउस की दो फिल्मों के सीक्वल के बारे में, एक है हैप्पी डेथ डे 2 और दूसरी द ग्लोइंग। इन दोनों फिल्म के सीक्वल पर काम जल्द ही शुरू होने वाला है। खैर, तो इन दोनों फिल्म को लेकर आगे जैसे ही अपडेट आएंगे तो उस बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो बस मुझे लगता है कि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, तो यहाँ पर करते हैं इस वीडियो को खत्म। और आपकी क्या राय है इन सभी फिल्मों को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है इन सभी फिल्मों को रिलेटेड तो वो चीज आप मुझसे मेरे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर भी आकर पूछ सकते हो। वहाँ पर मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपके सभी सवालों के जवाब टाइम पर दे पाऊँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।